वो ठीक है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, सोचता हूँ कि वो कितने बहुत टाइट हो गई, मतलब आपकी जबान में दोबारा लग जाएगा। और देखिएगा सबसे पहले यही पीड़ा होगा दूध और ये जो हमारे सबसे ज्यादा इसी को मिर्ची लगेगी। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं जल्दी से नूडल्स बनाने। पहले हम वन सर्विंग की बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ताकि अनफेयर डिसीजन नहीं हो, बिल्कुल फेयर हम खेलेंगे। फरहान एक्साइटेड हो? बहुत। सो लेट्स गो। मिर्ची लगा रहा हूँ, बस इसको एक डायलॉग सिखा दिया, आप बोलता रहेगा। सो लेट्स गो एंड मेक नूडल्स। चलो चलो तुम्हारी फेवरेट कंट्री? यूके। फेवरेट कलर? रेड। तो आपको बताना कि फरदान जीता या नहीं, अब तुम्हारी बारी। इसमें क्या जीतने की बात है, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में। तो आप बारी है फरदान की, जो मुझसे 3 साल पूछ रहा है। जल्दी से पूछ लो फरदान। तुम क्या चाहती हो फ्यूचर में, क्या करना है? मैं अगर यहाँ पे रहती हूँ तो CSS करने का है, वरना फिर मुझे मास्टर्स करना है मीडिया साइंस में। और तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। और लास्ट क्वेश्चन, कौन तुम्हें कौन सी सबसे ज्यादा चॉकलेट पसंद है? I don't know like the pronunciation, but ये लिंग चॉकलेट होती है, इंडोर की होती है, इंडोर होती है, सही है, ओरियो, सो मुझे बहुत पसंद है, सही है इसकी। तो बस अब नूडल्स तैयार हो गए, उसके बाद फिर हम चैलेंज स्टार्ट करेंगे। पूछा रोल कंट्रोल। सो गाइस, बैकअप के लिए हमने मिल्क रखा है और 7-Up रखी है, इसके अलावा चॉकलेट्स है, ये कुछ चॉकलेट्स है, और ये है स्पाइसी नूडल्स जो कि अब हम खाने जा रहे हैं। सो लेट्स ट्राई। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फरदान जल्दी से वो चीज़ है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई एक्शन, पता नहीं यार तुमको बका रहे हो, बड़ा बहुत बड़ी फैन थी, इतने से बाहर सीधे बका रहे हो। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैलेंज। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह हमारे भाई। सोचता हूँ कि वो कितने
जो पहले खत्म कर ले वो जीतेगा ना। हाँ ये कर तो जो पहले खत्म कर देगा वो जीत जाएगा। जी दिया करता है तू जी दिया। गाइस इतनी मिर्ची लग गई है मैं तो मिल्क पी लूँ ये सेवन अप पी लूँ। हवा टाइट हो गई मतलब बहुत मिर्ची है इसमें। नहीं दूध पीने से कम हो जाता है। हाँ। ये है कि दूध पीने से कम हो जाता है सेंडर पीएंगे आपकी जबान में दोबारा लग जाएगा। और फरदान जीत चुका है मुझे अभी भी खत्म करना है। हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अब ज्यादा लग रही है। और गाइस दूध पीने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं खाए डबल लग रही है। कौन है ये लोग कहां से आते हैं मतलब पसीने निकल गए हमारे और मेरे नूडल्स भी खत्म हो रहे हैं। नूडल्स भी जितना साल लगते हैं ना उतना आसान है नहीं तो थोड़ी देर बाद मिलता है। दूध पीने से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। दैट मच आई चॉकलेट अबे मेरे मुंह में दूध लगा है। ये चॉकलेट खाते हैं हम डैड इशू नहीं है मैं आ रहा हूँ। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। तो इस चैलेंज को यहीं पर एंड करते और फिर थोड़ी देर में अपडेट्स दे देते। सो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा और ये चैलेंज आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे चैलेंजेस और आए सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फजा तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मतलब वो आप करें गजब बेइज्जती है। तो बस ये कह रहे हैं आपकी सपोर्ट की नीड है हमें और थैंक यू सो मच। मैंने तो कुछ और सवाल किया था खैर इसने मेरी प्रमोशन कर दिया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम व्लॉग अपना एंड करते हैं। सो बाय बाय लव यू गाइस।